नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका द ऑटोमोटिव में। और आज हम बात करेंगे कि HAC सिस्टम क्या है और वो कैसे काम करती है। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे कि HAC का मीनिंग क्या होता है, HAC सिस्टम व्हीकल में क्यों लगाई जाती है, HAC सिस्टम का कंस्ट्रक्शन किस तरह का होता है और HAC सिस्टम काम कैसे करती है। शुरुआत करते हैं मीनिंग से। तो HAC का मीनिंग होता है हाई एल्टीट्यूड कंपेंसेशन सिस्टम। और नाम के मुताबिक जब भी गाड़ी हाई एल्टीट्यूड यानी कि पर्वतीय विस्तार में होती है, जहाँ पर गाड़ी काफ़ी ऊंचाई पर चढ़ती है, तब व्हीकल के परफॉर्मेंस को मेंटेन करने का और पोल्यूशन कम करने का काम करती है HAC सिस्टम। अब बात करते हैं नेसेसिटी की। तो व्हीकल जब भी हाई टेरेन पे चलता है यानी कि हाइट होने के कारण वहाँ हवा है वो पतली होती है, जिसके कारण व्हीकल के इंजन को कंबशन करने के लिए प्रॉपर अमाउंट में एयर नहीं मिलती और इसी वजह से व्हीकल में प्रॉपर कंबशन नहीं हो पाता, जिसके कारण व्हीकल की एफिशिएंसी तो कम होती ही है, साथ में पॉल्यूशन भी बढ़ जाता है। तो इसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए व्हीकल में HAC सिस्टम फिट की जाती है, जो कि एडिशनल एयर को इंजन में डालती है, जिसकी वजह से इंजन की एफिशिएंस भी बनी रहती है और पोल्यूशन भी कम होता है। अगर सिस्टम के कंस्ट्रक्शन की बात की जाए तो सबसे पहले आता है HAC वाल्व, जिसमें मेन बॉडी के एक चैम्बर में एक एनारोइड बेलो लगा होता है, जिसके ऊपरी सिरे के ऊपर एक वाल्व स्लीव लगी होती है जो कि चैम्बर को सील भी कर सकती है। उसके ऊपर वाले चैम्बर में एक स्प्रिंग लोडेड पपेट लगी होती है। अब उसी चैम्बर से तीन लाइन निकलती है, जिसे एयर फीड लाइन कहा जाता है, और वो सीधी थ्रोटल बॉडी के साथ कनेक्ट हो जाती है। अब जो थ्रोटल बॉडी है, उसके बाद इंटेक मैनिफोल्ड में से एक लाइन चेक वाल्व में जाएगी और वहां से वो सीधी जाएगी HAC वाल्व में। अब उसके साथ एडवांस मैकेनिज्म को भी कनेक्ट कर दिया जाएगा ताकि प्रॉपर पोल्यूशन कंट्रोल हो सके। अब बात करते हैं सिस्टम के वर्किंग की। तो नॉर्मल कंडीशन में व्हीकल जब लो एल्टीट्यूड के ऊपर चल रहा होगा, तो उस कंडीशन में जो एनारोइड बेलो है वो रिट्रैक्ट रहेंगे, यानी कि एयर की डेंसिटी होने के कारण कार्बोरेटर जो है वो प्रॉपर काम करेगा और HAC वाल्व बंद रहेगा। अब जैसे ही व्हीकल जो है वो हाई एल्टीट्यूड के ऊपर जाता है, तो उस कंडीशन में हवा जो है वो पतली होती है, जिसके कारण एनारोइड बेलोज एक्सपांड होते हैं और वो HAC वाल्व को बंद कर देते हैं, जिसके कारण जो इंटेक मैनिफोल्ड के साथ कनेक्ट किया हुआ चेक वाल्व है वो ओपन होता है और इंटेक मैनिफोल्ड के वैक्यूम से जो एडवांस मैकेनिज्म है वो भी एडवांस होता है और स्प्रिंग लोडेड पपेट भी ओपन हो जाता है, जिसके कारण तीनों के तीनों फीड लाइन के अंदर जो एटमॉस्फेरिक एयर है वो जाती है और उसे वो पहुंचा देते हैं सीधे थ्रोटल बॉडी के अंदर, यानी कि हाई एल्टीट्यूड के ऊपर व्हीकल को प्रॉपर अमाउंट में एयर मिल जाती है और इंजन प्रॉपर कंबशन कर पाता है। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए द ऑटोमोटिव चैनल को, ताकि नए लेटेस्ट टेक्नोलॉजिकल वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिला रहे।